वेलकम टू द चैनल साईं बाबा इन्फोटेक। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में कई सारी चीज़ें होती हैं भाई जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे कि एक नॉर्मल मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिज्म की, या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। सो वी आर गोइंग फॉर द मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहली चीज़, मैग्नेटिज्म क्या है भाई? किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, उसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, अब मैग्नेट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा पार्ट होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर मैन मेड मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर मैन मेड मैग्नेट, ये दो पार्ट होते हैं मैग्नेटिज्म के जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, अब नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है भाई? इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, शेपलेस होता है, ये नेचर में मिल जाएगा। जैसे आपने एक सुना होगा, एक पहाड़ है लेह लद्दाख साइड जो अट्रैक्ट करता है बॉडी को, तो वो किसके कारण है? वो नेचुरल मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेटिज्म में जो मेन कंपोजिशन होता है फॉर्मूले का, वो Fe3O4 होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट के केस में ये मैन मेड मैग्नेट होता है, हम बनाते हैं इसका, इसका हम शेप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना, इसमें मेनली आयरन, स्टील, कोबाल्ट, ओके, ऐसी चीज़ें मिली होती हैं। आयरन, कोबाल्ट, स्टील, ये सब चीज़ें मिलकर के हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका शेप हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे बार के फॉर्म में बना सकते हैं, घोड़े की नाल के फॉर्म में हॉर्स शू मैग्नेट बना सकते हैं, जो भी हमको बनाना हो हम उस शेप में इसको बना सकते हैं। लेकिन नेचुरल का शेप फिक्स आपका नहीं होगा, कोई भी शेप में हो सकता है, शेपलेस फॉर्मूला इसका ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस चैप्टर की ओर। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैग्नेट की हमको बात करनी है। तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल हमेशा क्या होंगे आपको, ये एंड में मिलेंगे किसी भी मैग्नेट के। ये जो हम मैग्नेट देख रहे हैं वो बार मैग्नेट का टाइप है। कौन से मैग्नेट का टाइप है? बार मैग्नेट का टाइप है। ठीक है ना, तो एक एंड में आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, एक एंड में साउथ पोल मिलेगा। इसी में, इन्हीं दोनों एंड्स में जो मैग्नेट की ताकत है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पोल्स में मैक्सिमम ताकत होती है, और मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे ज़ीरो होगा? तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिक इफेक्ट ज़ीरो होता है। मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिक इफेक्ट ज़ीरो होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। अच्छा, तो हमेशा किसी भी मैग्नेट में दो पोल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर मैंने मैग्नेट को बीच से काट दिया, बीच से मैंने मैग्नेट को काट दिया, तो क्या होगा? तो फिर से दो पोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो हमेशा मैग्नेट में दो पोल ही रहेंगे, सिंगल पोल का मैग्नेट कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेट में मिनिमम कितने नंबर ऑफ पोल रहेंगे? दो पोल, और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पोल रहेंगे? दो पोल रहेंगे। ठीक है ना, मिनिमम मैक्सिमम दोनों सेम है, मतलब मैग्नेट में हमेशा दो पोल ही होते हैं। ठीक है, मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेट का इफेक्ट कितना हो जाएगा? तो ये आपने देखा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली चीज़ें क्लियर हो गई है अपन को। अब आगे की बात, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रिपल करते हैं, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ और होती है, देखिए एक्चुअली में इसमें ओरिएंटेशन के बेसिस में, अब अगर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट शो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
लेकिन अगर ओरिएंटेशन रैंडम है, जैसे एक आपका ये है तो दूसरा डाउनवर्ड हो गया, दूसरा डाउनवर्ड हो गया, दूसरा डाउनवर्ड, 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 तो ये अपोजिट ओरिएंटेशन के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर सेम ओरिएंटेशन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, एक जैसा ओरिएंटेशन है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा। तो कोई भी अगर लोहे की ऑब्जेक्ट है, हमने उसके बगल में मैग्नेट को रख दिया, तो होता क्या है, ये ओरिएंटेशन बदल देता है इसका, भले ही रैंडम ओरिएंटेशन हो या फिर सेम ओरिएंटेशन हो, ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल देता है। तो इसमें भी मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, और हमने देखा होगा कि ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में है क्या, इसको आप देखिए ज़रा। मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे देखिए, ऑल अराउंड द मैग्नेट वेयर वी कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इफेक्ट, वो पूरा एरिया मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे हमको मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड। ऑल एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर वी कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, हमने देखा है कई बार, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, हर एक जगह में कुछ ना कुछ अलग अलग इफेक्ट होगा। इनफाइनाइट में भी रख रहा हूँ तो वहाँ पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे, वहाँ जहाँ तक इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो क्या कहला जाएगी उसकी, उस पर्टिकुलर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हर एक प्लेस में अलग अलग है, अलग अलग है, तो जब अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं साउथ पोल रख रहा हूँ इस पोजिशन में, तो ये वाला साउथ उसको ज़्यादा तेज़ी से रिपल करेगा इन कंपेरिजन टू दिस, इन कंपेरिजन टू दिस। मतलब अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इस मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो अलग होती जाती है। तो ये क्या कहलाता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि कितनी दूर में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कौन सी क्वांटिटी होती है ये, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, इसकी यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स यूनिट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम में, टेस्ला, साइंटिस्ट के नाम में क्या बोलते हैं, टेस्ला। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और साइंटिस्ट के नाम में इस यूनिट का नाम क्या है, टेस्ला, ओके। अब बात आती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस असल में है क्या दोस्तों, जब हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई मैग्नेट हमारा रखा हुआ है, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है, तो इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, जिसके कारण रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन का फेनोमेना होता है, रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन का फेनोमेना हमको देखने को मिलता है, ठीक है, केवल इसी के कारण, इन्हीं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कारण। तो क्या है भैया ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, तो हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अट्रैक्ट होती हैं। इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में जहाँ कहीं पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी पोजिशन में अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो वो बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट एरिया, मतलब कि इस जगह पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, किस तरफ नॉर्थ होगा, किस तरफ साउथ होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे। यहाँ पे हम रखते हैं कंपास, तो ये ओरिएंटेशन बताना शुरू कर देता है कि यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है ना। तो ये किसके कारण है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कारण है, कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, चलिए बढ़िया। अब आगे बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमको क्या बोलते हैं भैया आपका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ से हो गया, नॉर्थ से साउथ पोल, कहाँ से कहाँ जाएगा डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ पोल, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की इंपॉर्टेंट बात थी, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हमको अब जानना है प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे के हमेशा या तो पैरेलल निकल जाएंगी
या तो बिना इंटरसेक्ट किए हुए निकल जाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब दूसरी चीज़ कि जिस जगह पे भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की इंटेंसिटी हाई रहेगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई रहेगी, ठीक है, तो उस जगह पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से बहुत सट के निकलेंगी। वहाँ पे मतलब पर यूनिट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर इंटेंसिटी हाई है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट ज़्यादा होगा। ये अलग बात, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर इंटेंसिटी सेम है मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। मतलब ये डिस्टेंस ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा, जिस जगह पे इंटेंसिटी सेम होगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे मैग्नेट से रिलेटेड। ये हमने आज पार्ट 1 कवर कर लिया है जो पूछ सकता है। अगले लेक्चर में हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो जैसे आपसे पूछ लेगा कि इनमें से दिया हुआ कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। अब आपको जब पता होगा कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और कौन सा एलिमेंट है, तभी आप उसको बता सकते हो। तो आगे के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिए साईं बाबा इन्फोटेक चैनल के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।